हेलो डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ गुलाम मोहिउद्दीन, एम फार्म फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। आई एम वेलकमिंग यू ऑल ऑन माई यूट्यूब चैनल मेडिकेम स्टार, एंड आई वॉन्ट टू इंश्योर यू ऑल दैट यू विल डेफिनेटली गॉट द लेक्चर रिगार्डिंग फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एंड एलाइड सब्जेक्ट्स रिलेटेड टू फार्मेसी एंड फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। डियर स्टूडेंट्स, इस चैनल पे आपको फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री से रिलेटेड सारे सब्जेक्ट्स के वीडियो लेक्चर आपको प्राप्त होंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे कि आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग बात करने वाले हैं डी फार्मा फर्स्ट ईयर के फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में। फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज़ के बारे में जो आपके अपकमिंग एग्ज़ाम्स में आने वाले हैं, अपकमिंग एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट्स हैं, उनको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, हम लोग आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। कौन कौन सा टॉपिक रहेगा उसमें आपका रहेगा इंट्रोडक्शन टू फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, सोर्स टाइप्स ऑफ एरर एंड इम्प्यूरिटीज इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग बात करेंगे फर्स्ट क्वेश्चन के बारे में कि लेड एसीटेट कॉटन प्लग इज़ यूज्ड इन लिमिट टेस्ट फॉर आर्सेनिक फॉर व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब जो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक में, मतलब आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में जो हम लोग लेड एसीटेट का कॉटन प्लग यूज़ करते हैं, उसका पर्पस क्या होता है, उसका रीज़न क्या होता है यूज़ करने का, हम लोग यहाँ पे क्यों यूज़ करते हैं। तो इसमें ऑप्शन दिया गया है टू परम्यूट रिलीज ऑफ फॉस्फीन गैस, टू अलाउ यूनिफॉर्म पासेज ऑफ आर्सेनियस गैस फॉर्म्ड, टू अवॉइड पासेज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस, टू इम्प्रूव द इफ़िशियंसी ऑफ रिएक्शन। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा टू अवॉइड पासेज ऑफ हाइड्रोजन सल्फाइड गैस। अगर इसके एक्सप्लानेशन में हम जाते हैं तो हम लोग देख लेते हैं कि ये आपका गैजेट ऑपरेटर्स होता है। गैजेट ऑपरेटर्स के कंस्ट्रक्शन के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं तो हम बात कर लेते हैं कि इसमें जो ये आपकी बॉटल होती है 120 ml की इस बॉटल की कैपेसिटी होती है आपकी, और जो इसमें आपका ये पाइप लगा होता है, इस पाइप का जो लेंथ होता है वो 200 mm लॉन्ग होता है। मतलब जैसे कि यहाँ पे दिख रहा होगा आपको, इस पाइप का लेंथ 200 mm लंबा होता है, और जो इस पाइप का एक्सटर्नल डायमीटर होता है वो 8 mm का होता है, और जो इंटरनल डायमीटर होता है वो 6.5 mm का होता है। मतलब अगर हम लोग मैं आपको समझाना चाहता हूँ, मतलब क्या, जैसे आपका जो रिफ़िल होता है पेन में जो रिफ़िल लगता है, अगर रिफ़िल के आउटर लेयर की बात करते हैं तो 8 mm का होगा, बट जिसमें इंक फिल किया जाता है उसकी हम बात करेंगे तो 6.5 mm का उसका डायमीटर होता है। नेक्स्ट बात करते हैं कि जो ये आपका ये पाइप होता है, जो लॉन्ग ग्लास ट्यूब होता है, इस ग्लास में 2 mm का एक होल प्रेजेंट होता है। अभी मैं बताऊंगा इस सब का रीज़न क्या होता है, क्यों प्रेजेंट होता है, अभी बता दे रहे हैं। और यहाँ पे आपका एक मर्क्यूरिक क्लोराइड का फिल्टर पेपर लगा होता है, और यह फिल्टर पेपर रबर बंग्स के द्वारा प्रेस हुआ होता है, और ये दोनों ऊपर अपर और लोअर का रबर बैंक्स स्प्रिंग क्लिप के द्वारा एक दूसरे से प्रेस हुए होते हैं, और यहाँ पे आपका लेड एसीटेट का कॉटन प्लग यूज़ किया जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो हम लोग क्या काम करते हैं कि जब आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट करते हैं तो जो आर्सेनिक होता है वो बहुत हैजार्डस होता है, मींस वो बहुत कार्सिनोजेनिक होता है। अगर वो डायरेक्ट कांटेक्ट में आता है या आर्सेनियस गैस को हम इनहेल कर ले जाते हैं तो वो कैंसर कॉज करता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इसलिए हम आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को गैजेट ऑपरेटर्स में परफॉर्म करते हैं। ओके,
तो हम बात करते हैं कि जो आर्सेनिक होता है वो दो फॉर्म में प्रेजेंट होता है किसी भी कंपाउंड्स में, एक ट्राईवेलेंट का आर्सेनिक होता है, दूसरा पेंटावेलेंट का आर्सेनिक होता है। जो ट्राईवेलेंट का आर्सेनिक होता है वो तो इस गजट टेस्ट को पास करता है, बल्कि जो पेंटावेलेंट आर्सेनिक होता है वो इस गजट टेस्ट को पास नहीं करता है। तो हम लोग क्या काम करते हैं, सबसे पहले जो ट्राईवेलेंट आर्सेनिक है और जो पेंटावेलेंट आर्सेनिक है उसको हम HCl के प्रेजेंस में रिएक्शन करवाते हैं। तो ये अगर जो ट्राईवेलेंट वाला आर्सेनिक होगा वो आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब H3ASO3 में कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें H3ASO3 में कन्वर्ट हो जाएगा। बल्कि जो आपका पेंटावेलेंट वाला आर्सेनिक होता है वो आपका किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो H3ASO4 में, इसे हम बोलते हैं आर्सेनियस ए आपका होता है आर्सेनियस एसिड और ये आपका होता है आर्सेनिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स हम लोग क्या काम करते हैं कि जो ये आर्सेनिक एसिड होता है आपका, जो ये आर्सेनिक एसिड होता है उसको हम लोग क्या काम करते हैं, आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। क्योंकि अगर वो पेंटावेलेंट का आर्सेनिक अगर प्रेजेंट रहेगा तो उस टेस्ट को वो पास नहीं करेगा, इसलिए हम लोग क्या काम करते हैं, उस आर्सेनिक एसिड को हम आर्सेनियस एसिड में कन्वर्ट करने का काम करते हैं। तो हम लोग क्या काम करते हैं, उस आर्सेनिक एसिड को स्टेनस क्लोराइड के प्रेजेंस में पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, मतलब पोटेशियम आयोडाइड एक रिड्यूसिंग एजेंट की तरह काम करता है, वो क्या काम करता है, जो आर्सेनिक एसिड होता है उसे वो आर्सीन गैस में अल्टीमेटली, मतलब जो आर्सेनियस एसिड होता है और आर्सीन एसिड होता है आर्सेनिक एसिड होता है, उन दोनों को वो आर्सीन गैस में कन्वर्ट कर देता है ASH3 में। ASH3 जो होता है आपका आर्सीन गैस उसमें ये कन्वर्ट कर देता है। और जब आर्सीन गैस आपके इस होल के द्वारा, जो आपके यहाँ पर 2 mm का एक मर्क्यूरी 2 mm का होल है, इस होल के थ्रू जब आर्सेनिक वेपराइज्ड होता है इवॉल्व होता है तो यह जाके आपके मर्क्यूरी क्लोराइड के फिल्टर पेपर से अटैच करता है और येलो कलर का एक स्टेन प्रोवाइड करता है। अगर यह मर्क्यूरी क्लोराइड का फिल्टर पेपर पे येलो कलर ऑप्रिंट नहीं होगा तो आपका टेस्ट पास नहीं होगा या आप उस टेस्ट को कन्फर्मेशन नहीं कर सकते हो। तो इसी टेस्ट को कन्फर्मेशन करने के लिए, और दूसरी बात क्या होता है कि जो यहाँ पे आर्सीन गैस यहाँ पे निकलता है, इस आर्सीन गैस में हाइड्रोजन सल्फाइड की इम्प्यूरिटीज़ प्रेजेंट होती है। तो कभी कभी क्या होता है कि इसी होल के थ्रू आर्सीन गैस के साथ में हाइड्रोजन सल्फाइड भी इवॉल्व हो जाता है, जिसके वजह से जो मर्क्यूरी क्लोराइड का फिल्टर पेपर होता है इस पर ब्लैकिश कलर का एक स्टेन्स मिलता है, जिससे हम कन्फर्म नहीं कर पाते हैं कि इसमें आपका आर्सीन गैस प्रेजेंट है या नहीं प्रेजेंट है, मतलब आर्सेनिक का इम्प्यूरिटी प्रेजेंट है कि नहीं। तो हम लोग यही काम करते हैं कि यहाँ पे लेड एसीटेट का एक कॉटन प्लग यूज़ कर देते हैं, जो क्या काम करता है, यहाँ से आने वाले जितने भी हाइड्रोजन सल्फाइड के गैस रहते हैं उनको वो ट्रैप कर लेता है। जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, लेड एसीटेट वुल प्रिवेंट्स ब्लैक स्टेन, मतलब अगर हाइड्रोजन सल्फाइड इस यहाँ पे मर्क्यूरी क्लोराइड फिल्टर पेपर पे पहुँच जाएगा तो ब्लैक कलर का स्टेन प्रोवाइड करेगा, अगर लेड एसीटेट कॉटन प्लग ही प्रेजेंट रहेगा तो हाइड्रोजन सल्फाइड को ट्रैप कर लेगा और हाइड्रोजन सल्फाइड वहाँ तक पहुँच नहीं पाएगा और सिर्फ आर्सीन गैस ही पहुँच पाएगा, तो आपको येलो कलर प्रोवाइड करेगा। तो इसका आपका रीज़न समझ में आया क्यों यूज़ करते हैं, इसका रीज़न यही है कि हम इसलिए यूज़ करते हैं जिससे क्या हो कि हाइड्रोजन सल्फाइड गैस ट्रैप हो सके, हाइड्रोजन सल्फाइड गैस इवॉल्व ना हो सके। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द लिमिट टेस्ट फॉर लेड, लेड प्रेजेंट एज इम्प्यूरिटी इज एक्सट्रैक्टेड बाई यूजिंग, मतलब जो आपका लेड का लिमिट टेस्ट होता है उसमें जो लेड होता है उसको हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स
जितने भी लिमिट टेस्ट होते हैं उन सब में आपका जो इम्प्यूरिटीज़ होते हैं उनको हम नेस्लर सिलेंडर के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं, नेस्लर सिलेंडर में हम परफॉर्म करते हैं। सिर्फ़ और सिर्फ आपके आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट को ही हम गैजेट ऑपरेटर्स में परफॉर्म करते हैं, बाकी सारे हम जो लिमिट टेस्ट हैं उनको नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म करते हैं। और स्पेशली जो हैवी मेटल्स का लेड का लिमिट टेस्ट होता है उसको हम सेपरेटिंग फनल के द्वारा एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें क्वेश्चन पूछा गया है कि लेड जो इम्प्यूरिटी के रूप में प्रेजेंट होता है उसे हम कैसे एक्सट्रैक्ट करते हैं। तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका बेरियम सल्फेट, डायथाइजोन सॉल्यूशन, सिल्वर नाइट्रेट, सोडियम फास्फेट। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा डायथाइजोन सॉल्यूशन। एक्सप्लेनेशन के ऊपर चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में क्या होता है, इसमें लिखा हुआ है लिमिट टेस्ट ऑफ लेड इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ लेड एंड डाइफेनाइल थायोकार्बाजोन, जिसी को हम डाइथायाजोन बोलते हैं, इज एल्केलाइन सॉल्यूशन टू फॉर्म लेड डाइथायाजोन कॉम्प्लेक्स। मतलब क्या होता है कि जब हम लेड का लिमिट टेस्ट करते हैं डाइथायाजोन के साथ में, तो डाइथायाजोन क्या होता है, एक एल्केलाइन सॉल्यूशन होता है जो कि रेड कलर प्रोवाइड करता है। लेकिन जब डाइथायाजोन क्लोरोफॉर्म के साथ में हम मिला देते हैं तो ग्रीन कलर प्रोड्यूस करता है। मतलब क्या काम करता है कि डाइथायाजोन रहता है वो रेड कलर का होता है, हम इसको एल्केलाइन बनाने के लिए क्लोरोफॉर्म में मिलाते हैं तो ये ग्रीन कलर प्रोड्यूस करने लगता है। तो जब क्लोरोफॉर्मिक डाइथायाजोन का रिएक्शन हम लेड के साथ में करवाते हैं तो वायलेट कलर का एक कॉम्प्लेक्स प्रोवाइड करता है, जिससे हमें कन्फर्म पता चलती है कि इसमें लेड प्रेजेंट है, जो वायलेट कलर बाद में फिर रेड कलर में चेंज हो जाता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो इसका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कि डाइथायाजोन सॉल्यूशन की वजह से हम लेड के लिमिट टेस्ट को एक्सट्रैक्ट कर पाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि द लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट हैज़ बीन बेस्ड अपॉन द प्रिसिपिटेशन ऑफ सल्फेट विथ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब लिमिट टेस्ट जो सल्फेट का लिमिट टेस्ट होता है वो प्रिसिपिटेशन प्रोवाइड करता है किस कंपाउंड्स के साथ में। तो इसमें आपका पहला ऑप्शन है बेरियम क्लोराइड एंड सिल्वर नाइट्रेट, दूसरा है सिल्वर नाइट्रेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, तीसरा है बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, चौथा है सिल्वर क्लोराइड एंड सल्फ्यूरिक एसिड। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। इसमें एक्सप्लेनेशन हम लोग देख लेते हैं क्या होता है कि जब हम सल्फेट का लिमिट टेस्ट करते हैं तो उसमें क्या होता है कि एल्कोहलिक फ्री सल्फेट आयन होता है। मतलब सल्फेट के लिमिट टेस्ट में क्या होता है कि जो सल्फेट आयन होता है वो बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करके इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड ये बेरियम सल्फेट बना लेता है, जो कि प्रिसिपिटेट के रूप में नीचे जाके बैठ जाता है। तो हम कन्फर्म कर पाते हैं कि इसमें बेरियम सल्फेट प्रेजेंट होता है। तो क्या लिखा हुआ है इसमें, लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट इज़ बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ सोल्यूबल सल्फेट विथ बेरियम क्लोराइड इन द प्रेजेंस ऑफ डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड टू फॉर्म बेरियम सल्फेट व्हिच अपीयर्स एज सॉलिड पार्टिकल्स इन द सॉल्यूशन। तो डियर स्टूडेंट्स, आपको करेक्ट आंसर मिल गया होगा कि बेरियम क्लोराइड को इन द ये डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करता है, लेकिन यहाँ पे हाइड्रोक्लोरिक एसिड एज अ कैटलिस्ट यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा बेरियम क्लोराइड विद HCl के साथ में। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक इज बेस्ड अपॉन द व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट। तो लिमिट टेस्ट ऑफ आर्सेनिक आपने पढ़ा ही है कि इसमें गजेट टेस्ट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कार्ल फिशर टेस्ट हम बायोलोमेट्रिक टाइटेशन में करते हैं, गोल्ड बिटर स्किन टेस्ट टैनिन के डिटर्मिनेशन में करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा गजेट टेस्ट ही आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन द लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन पर्पल कलर इज ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। मतलब जो आपका आयरन का लिमिट टेस्ट होता है उसमें पर्पल कलर आपको मिलता है तो वो पर्पल कलर किस केमिकल के द्वारा होता है। तो इसमें पहला ऑप्शन दिया गया है फेरस थायोग्लाइकोलेट, दूसरा ऑप्शन है ग्लाइकोलेट, तीसरा ऑप्शन है फेरिक थायोग्लाइकोलेट, चौथा ऑप्शन है ग्लाइकोलिक एसिड। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका फर्स्ट करेक्ट आंसर हो जाएगा फेरस थायोग्लाइकोलेट। रीज़न क्या होता है कि क्या होता है जब हम
आयरन का लिमिट टेस्ट करते हैं। इसका प्रिंसिपल क्या है? लिमिट टेस्ट ऑफ आयरन इज बेस्ड ऑन द रिएक्शन ऑफ आयरन इन द अमोनिकल सॉल्यूशन विद थायोग्लाइकोलिक एसिड प्रेजेंट इन द सिट्रिक एसिड टू फॉर्म आयरन थायोग्लाइकोलेट। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि हम आयरन का टेस्ट जब करते हैं तो जो थायोग्लाइकोलिक एसिड होता है वो अमोनिकल सॉल्यूशन होता है। मतलब जब थायोग्लाइकोलिक एसिड का रिएक्शन हम अमोनिकल सॉल्यूशन के साथ में करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ सिट्रिक एसिड, तो यहाँ पे आपका फेरस थायोग्लाइकोलेट का फॉर्मेशन होता है जिसके वजह से आपको पर्पल कलर प्रोवाइड होता है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा? फेरस थायोग्लाइकोलेट। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि ऑपरेटस इज यूज फॉर लिमिट टेस्ट। मतलब लिमिट टेस्ट परफॉर्म करने के लिए हम कौन सा ऑपरेटस यूज़ करते हैं? तो इसमें पहला ऑप्शन है आपका मिजरिंग सिलेंडर, दूसरा है कोनिकल फ्लास्क, तीसरा है नेसलर सिलेंडर, चौथा है टेस्ट ट्यूब। मिजरिंग सिलेंडर क्या काम करते हैं? किसी भी केमिकल्स को, लिक्विड केमिकल्स को हम मेज़र करने के लिए यूज़ करते हैं। कोनिकल फ्लास्क में हम किसी भी कंपाउंड्स का टाइट्रेशन करते हैं। नेस्लर सिलेंडर नेक्स्ट है आपका टेस्ट ट्यूब, टेस्ट ट्यूब में हम किसी भी केमिकल को, सॉल्यूशन को ट्रांसफ़र करने का काम करते हैं। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेस्लर सिलेंडर। नेस्लर सिलेंडर ही मैंने बताया आपको कि जितने भी लिमिट टेस्ट होते हैं वो सारे के सारे लिमिट टेस्ट आपके नेस्लर सिलेंडर में परफॉर्म किए जाते हैं एक्सेप्ट देन आर्सेनिक का लिमिट टेस्ट। सिर्फ और सिर्फ आर्सेनिक का ही लिमिट टेस्ट जो है वो गजट ऑपरेटस में परफॉर्म किया जाता है, बाकी सारे लिमिट टेस्ट आपके नेस्लर सिलेंडर के थ्रू आइडेंटिफाई किए जाते हैं। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका नेस्लर सिलेंडर हो जाएगा। नेक्स्ट है लिमिट टेस्ट आर डॉट डॉट टेस्ट डिज़ाइंड टू आइडेंटिफाई एंड कंट्रोल स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्यूरिटीज़। मतलब क्या कहना चाह रहा है कि लिमिट टेस्ट एक किस टाइप का क्वालिटेटिव टेस्ट होता है या क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है? क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है या क्वालिटेटिव टेस्ट होता है जिसके थ्रू हम, तो डियर स्टूडेंट्स अगर हम लिमिट टेस्ट की बात करते हैं तो इसमें हम क्या पता करते हैं? क्वांटिटी ही पता करते हैं ना। जैसा कि आपको बताया गया होगा पढ़ाते समय कि इंडियन फार्माकोपिया डिसाइड करती है कि कितना परसेंटेज वेट बाय वॉल्यूम इसमें इम्प्यूरिटीज होनी चाहिए। मतलब अगर इससे ज़्यादा होगी तो वो हजार्डस होगा, लेकिन अगर इससे कम होगा तो चल जाएगा। ऐसा आपको पढ़ाया जाता है ना कि आर्सेनिक के लिमिट टेस्ट में एग्जांपल के तौर पे 0.01% वेट बाय वॉल्यूम अगर आर्सेनिक रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन अगर इससे ज़्यादा रहेगा तो आपको वहाँ पे दिक्कत है। यही तो बताया जाता है आपको। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो यही आपको बताया जाता है कि जब आर्सेनिक का हम लिमिट टेस्ट करते हैं एग्जांपल के तौर पे, तो अगर 0.01% से अगर वेट बाय वॉल्यूम अगर आर्सेनिक ज़्यादा परसेंट है तो दिक्कत करेगी, उसको हमें निकालना पड़ेगा। बाकी अगर इतना ही या इससे कम है तो हम उसको एडजस्ट कर लेते हैं। तो क्या इससे आपका कन्फर्म ही पता चल गया होगा कि इसमें ऑप्शन है क्वालिटेटिव, क्वालिटेटिव, फिजियोकेमिकल, थेरेप्यूटिक। तो यहाँ पे इन तीनों का कोई रोल नहीं है। करेक्ट आंसर आपका क्वांटिटेटिव एनालिसिस ही हो जाएगा। मतलब क्वांटिटेटिव एनालिसिस के थ्रू ही हम क्वांटिटी को डिटरमाइन करते हैं और क्वांटिटी को लिमिट टेस्ट में ही हम डिटरमाइन करते हैं। तो करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा क्वांटिटेटिव। नेक्स्ट है आपका लिमिट टेस्ट फॉर सल्फेट हैज़ बीन बेस्ड अपॉन द प्रिसिपिटेशन ऑफ सल्फेट विद डॉट डॉट इन द प्रेजेंस ऑफ। तो अभी आपने पढ़ा कि जो लिमिट टेस्ट सल्फेट का लिमिट टेस्ट होता है उसमें हम बेरियम क्लोराइड का रिएक्शन करवाते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो इसमें कौन सा ऑप्शन दिया गया है? बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, सिल्वर नाइट्रेट एंड सल्फ्यूरिक एसिड, मैग्नीशियम सल्फेट एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो डियर स्टूडेंट्स बेरियम क्लोराइड इसमें एक ही में प्रेजेंट ही है, आप तुरंत इसमें करेक्ट आंसर आप दे दोगे, इसमें ये ऑप्शन ही करेक्ट आंसर है।
तो इसमें आपका जो बेरियम क्लोराइड है वही करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका। मतलब बेरियम क्लोराइड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं और इन द प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ में रिएक्शन करवाते हैं, इससे आपको कंफर्म पता चल जाता है कि इसमें सल्फेट प्रेजेंट। नेक्स्ट स्लाइड के बाद इसमें आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा बेरियम क्लोराइड एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। नेक्स्ट आपका है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज अनप्रिडिक्टेबल, मतलब किस एरर को हम अनप्रिडिक्ट करते हैं, मतलब कोई कौन सा एरर अनजाने में हो जाता है, मतलब अनप्रिडिक्ट, मतलब कुछ जैसे कुछ एरर्स होते हैं जिनको हम डिटरमाइन करते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे भी आपको दे दिया जाए कि 1 किलो चीनी आप तौलिए, ठीक है, 10-10 ग्राम करके तौलिए, तो हो सकता है कि आप 10-10 ग्राम को तौलो तो हो सकता है भूल जाओ कहीं पर, कुछ एरर्स आ सकते हैं, लेकिन आप डिटरमाइन ही नहीं कर रहे हो, ऐसे ही मतलब अंदाज के रूप में 1 किलो चीनी आप दे रहे हो, तो ये इनडिटर्मिनेंट एरर के रूप में आएगा ना। तो जितने भी अनप्रिडिक्टेबल एरर होते हैं वो ऑप्शन देख लेते हैं, डिटर्मिनेंट एरर, इनडिटर्मिनेंट एरर, क्रॉस एरर, नन ऑफ द अबव। तो इसमें करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, इनडिटर्मिनेंट एरर हो जाएगा। जैसा कि मैंने बताया कि आपको अंदाज में दे रहे हो तो उसमें एरर आना तो स्वाभाविक है, तो इनडिटर्माइन बिना डिटरमाइन किए हुए जो एरर आता है उसे हम इनडिटर्मिनेट का एरर बोलते हैं और ये अनप्रिडिक्टेबल एरर में आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा कि आर डिनोट्स द डिफरेंस बिटवीन मेजर्ड एंड ट्रू वैल्यू इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में इम्प्योरिटी प्रेजेंट होता है और उस इम्प्योरिटी को हम लिमिट टेस्ट के द्वारा आइडेंटिफाई करते हैं। एरर यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा एरर, एरर ही होता है जो मेजर्ड वैल्यू और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस देता है, तो करेक्ट आंसर यहाँ पे हो जाएगा एरर। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, सिंथेटिक सैंपल कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड फ्रॉम द स्टैंडर्ड एनालिटिकल एजेंसी, मतलब कौन सा ऐसा मेथड है कि जिसके थ्रू हम सिंथेटिक सैंपल को नहीं प्रिपेयर कर सकते हैं एनालिटिकल एजेंसी में। इसमें पहला ऑप्शन है एब्सोल्यूट मेथड, दूसरा है कंपरेटिव मेथड, तीसरा है बोथ ऑफ देम, चौथा है नन ऑफ देम। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंपरेटिव मेथड। कंपरेटिव मेथड को हम सिंथेटिक सैंपल प्रिपेयर करने में स्टैंडर्ड एनालिटिकल एजेंसी यूज़ नहीं करती, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा कंपरेटिव मेथड। नेक्स्ट स्लाइड में नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा, फार्मास्यूटिकल्स आर अनवांटेड केमिकल दैट रिमेन्स विथ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट आर ड्रग प्रोडक्ट फार्मुलेशन। मतलब क्या बोल रहा है कि फार्मास्यूटिकल में कुछ ऐसे अनवांटेड चीज़ें होती हैं जो रिमेन्स की रहती हैं एक्टिव एपीआई में, इंग्रेडिएंट फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट में जो अनवांटेड होती हैं, तो क्या होता है एरर, क्या होता है एरर, तो मेजर्ड और ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। इम्प्योरिटी, लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके थ्रू हम जो इम्प्योरिटीज़ आपके कंपाउंड्स में प्रेजेंट हुई होती हैं उसको डिटरमाइंस करते हो, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर आपका यहाँ पे हो जाएगा इम्प्योरिटी। इम्प्योरिटी ही है जो अनवांटेड केमिकल के रूप में आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इन्ग्रीडियंट में प्रेजेंट होता है जिसको हम लिमिट टेस्ट के थ्रू डिटरमाइन कर लेते हैं, तो इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा इम्प्योरिटीज़। नेक्स्ट स्लाइड है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है, एरर कॉज्ड ड्यू टू आइदर इनकरेक्ट अडॉप्टेशन ऑफ एन एसे मेथड और एन इनकरेक्ट ग्रेजुएशन रीड आउट बाय एन एनालिस्ट। मतलब किसी एनालिस्ट के अनजाने में कोई गलती हो जाए तो एरर कॉज्ड टू आइदर इनकरेक्ट अडॉप्टेशन, इनकरेक्ट की वजह से, तो इसमें ऑप्शन इनडिटर्मिनेट, इनडिटर्मिनेट, एक्यूरेसी और प्रिसीजन। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, एक्यूरेसी। एक्यूरेसी एरर ही ऐसा एरर है जो कोई कॉज्ड ड्यू टू आइदर इनकरेक्ट अडॉप्टेशन ऑफ एन एसए मेथड और इनकरेक्ट ग्रेजुएशन रीड आउट बाय एन एनालिस्ट। मतलब जैसे क्या काम करते हैं, एक्यूरेसी क्या होता है, कोई रीडिंग अलग अलग तौर पे आती है, इनकरेक्ट रीडिंग आती है, ठीक है, इनकरेक्ट रीडिंग क्यों आती है, क्योंकि हम लोग ध्यान नहीं देते हैं, ठीक है, कोई जो एनालिस्ट है वो अगर
रीड नहीं कर पा रहा है, रीड आउट नहीं कर पा रहा है अच्छे से, ठीक है, तो आपका एक्यूरेसी कि जो रीडिंग आएगी वो एक्यूरेट रीडिंग आएगी, तो उसी को हम एक्यूरेसी बोलते हैं। नेक्स्ट स्लाइड आपका है, आर क्वांटिटेटिव आर सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट यूज फॉर आइडेंटिफाइंग आर कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज व्हिच मे अकर इन द सब्सटेंस। मतलब कौन सा ऐसा एक क्वांटिटेटिव टेस्ट है या सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट है जिसको हम स्मॉल क्वांटिटी के इम्प्योरिटीज़ अगर प्रेजेंट है तो उसको कंट्रोल करने के लिए यूज़ किया जाता है। तो इसमें आपका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन क्या दिया हुआ है, इम्प्योरिटीज़ इरर एक्यूरेसी लिमिट टेस्ट। लिमिट टेस्ट क्या होता है कि जो इम्प्योरिटी प्रेजेंट है उसको पता लगाने के लिए हम लिमिट टेस्ट का यूज़ करते हैं। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी में मतलब कोई वैल्यू नियर द ट्रू वैल्यू, उसी को तो हम एक्यूरेसी बोलते हैं जो एक्यूरेट होगा, मतलब नियर द ट्रू वैल्यू। अब नियर द ट्रू वैल्यू के इसीलिए तो एक्यूरेसी वहाँ पे बोला जाता है कि बहुत सारे नियर द ट्रू वैल्यू आ सकते हैं। जैसे अगर 100 ग्राम हम तौल रहे हैं कोई चीज़ वेट कर रहे हैं तो उसमें कुछ आएगा जो 99.5 आएगा, 99.6 आएगा, 99.7 आएगा, 94 आएगा, 98 आएगा, तो जो एक्चुअल वैल्यू को जो जितने नज़दीक में होगा तो उसी को हम एक्यूरेट वैल्यू मानेंगे। मतलब 99.5 भी है जो भी ज़्यादा है उसी को हम मानेंगे एक्यूरेट वैल्यू। लेकिन इसमें क्या हो रहा है, इसमें तो कई रीडिंग्स आ रही हैं ना, तो ये प्रीवियस क्वेश्चन में यही था आंसर, करेक्ट आंसर। नेक्स्ट ऑप्शन है आपका एरर। एरर क्या होता है, कोई अगर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच में अगर डिफरेंस है तो उसी को हम एरर बोलते हैं। नेक्स्ट है आपकी इम्प्योरिटीज। लिमिट टेस्ट एक क्वांटिटेटिव टेस्ट होता है, इम्प्योरिटीज जो कंपाउंड्स में प्रेजेंट होती है। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन हो जाएगा, आर क्वांटिटेटिव आर सेमी क्वांटिटेटिव टेस्ट इंटेंडेड फॉर आइडेंटिफाइंग एंड कंट्रोलिंग स्मॉल क्वांटिटीज ऑफ इम्प्योरिटीज व्हिच मे अकर्स इन अ सब्सटेंस। मतलब कौन सा ऐसा टेस्ट है कि जिसको हम यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए स्मॉल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी को। मतलब कोई अगर कोई कंपाउंड से अगर किसी में इम्प्योरिटी प्रेजेंट है तो उसको हम चेक करने के लिए क्या यूज़ करते हैं, इम्प्योरिटी तो प्रेजेंट ही है, एरर ट्रू वैल्यू और मेजर्ड वैल्यू के बीच का डिफरेंस होता है। एक्यूरेसी क्या होता है, एक्यूरेसी मतलब अगर हमने आपको 100 ग्राम कोई चीज़ वेट करने के लिए बोल दिया तो आप वेट कर रहे हो, मतलब आप जैसे कोई वेट कर रहा है, वेट करके आपको दे दिया, अब अगर आप उसको आइडेंटिफाई कर रहे हो, प्रूफ कर रहे हो कि ये 100 ग्राम ही है, आप उसको वेट करोगे। वेट करो एग्जांपल के तौर पे आपने एक बार वेट किया तो 99.5 ग्राम आया, मतलब 99.5 ग्राम, एक बार 98.98 ग्राम आया, एक बार आपका 99.4 ग्राम आया, एक बार 99.3 ग्राम आया, तो हम कह रहे हैं करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 99.5। मतलब जो एक्चुअल वैल्यू कि जो जितने नज़दीक होगा उसी को तो हम मानेंगे कि ये मेरा एक्यूरेट वैल्यू है, तो प्रीवियस आंसर में यही था। तो आपका यहाँ पे लिमिट टेस्ट दिया गया, लिमिट टेस्ट क्या होता है, लिमिट टेस्ट ही एक ऐसा क्वांटिटेटिव और सेमी क्वांटिटेटिव मेथड होता है, टेस्ट होता है, इसको हम यूज़ करते हैं और कंट्रोल यूज़ करते हैं पता लगाने के लिए और कंट्रोल करने के लिए जो इम्प्योरिटीज प्रेजेंट है। इसमें करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा लिमिट टेस्ट। नेक्स्ट स्लाइड आप, आर ऑब्जर्व टू बी रेदर इंडिपेंडेंट ऑफ द मैग्नीट्यूड ऑफ द मेजर्ड अमाउंट। इसमें आपका पहला ऑप्शन है रेजेंट एरर, कॉन्स्टेंट एरर, एडिटिव एरर, प्रोपोर्शनल एरर। यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा कॉन्स्टेंट एरर। थैंक यू डियर स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड फुल सेशन। डियर स्टूडेंट्स काइंडली गिव माई मोटिवेशन एज द लाइक कमेंट शेयर सब्सक्रिप्शन व्हिच गिव मी मोटिवेशन फ्रॉम व्हिच आई विल ट्राई टू मेक अ न्यू वीडियो एज सून एज पॉसिबल। थैंक यू एंड अगेन थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।